सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों ये बज गए हैं 11 और मैं अपना ब्लॉग अभी देर से चलूँ। तो दोस्तों आज सुबह से एक पोपट हो गया और मैं इतना थक गई ना, मतलब थक गई मतलब कि मेरा दिमाग थक गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा मुझे बहुत सॉरी, क्योंकि 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया चाबी ढूंढते ढूंढते स्कूटी की, क्योंकि स्कूटी की चाबी उसके पापा ने रख दी थी पॉकेट में लोअर की, और वो लोअर मैंने फोल्ड करके रख दी। मैं अभी ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढ दिया। अभी याद करे मैंने तो वो वाली लोअर पहनी थी, उसमें तो देखो एक बार देखा तो उसमें इतना गुस्सा आया ना, पर क्या कर सकती हूँ। अब मुझे इतनी थकान लग गई, मतलब मेरा दिमाग थक गया बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, जाड़ा भी नहीं लग रहा देख रहे हो। और हमने पहने हैं अंदर से इनर और अपने आप एक कपड़ा पहना कॉटन का, बस इसी से ठंड रुक रही है। और क्या द बहो जवानी, लगता पुराने जमाने में खूब घी खाया है, मतलब अपने जमाने में घी खाया है खूब। वो तुमको जाड़ा नहीं लगता है वो? ये ऐसे कपड़े पहने तुमने, सूती तो होते भी ठंडा तो लगता ही है नहीं ये। तुम तो शाम को भी इन्हीं में रहते हो घूमते हुए, तो क्या हुआ? हुआ लगती है, पर आपको तो कत्ते ही नहीं लगती। ये देखो जरा अंदर से भी इनर भी नहीं पहनी है वही, और हाफ स्वेटर में हैं। क्या करूं अब मैं, कहाँ जाऊं? हमको देखो जरा, दो दो स्वेटर पहनी है, इनर पहनी है, तब भी ठंडा ही लग रहा है। मैं नहाता नहीं ना। मैं जो बदन में मैं अच्छा। अभी मैं बैठी हूँ दुकान में और बुबू भी बैठे हैं यहाँ पे। बुबू ठंडा भी नहीं लग रहा, बुबू को तो छाए में बैठे हैं, हम धूप में बैठे में बैठे हैं। इसको बोल दे आपको। तो क्या कहते हैं, अभी बूबू बैठे हैं तो मैं भी बूबू बैठी हूँ, थोड़ी गप्पे टाइम पास भी हो जाता है। तो अनन्या के आने का टाइम भी हो गया, तो अभी स्कूल से मेरी बहनास थोड़ी देर में आएगी क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है। अभी अनन्या आ गई है घर, और घर आई तो उसके सिर पे लगी हुई भी है क्योंकि आज वैन में चढ़ते समय गिर गई में। तो अभी थोड़ा दवाई लगाती हूँ। आपके इन चमकते हुए दांतों का राज क्या है? इतने बुढ़ापे में भी आप दांत सुरक्षित है और हमारे दांत? मैं साफ नहीं करता, मैं कल पेस्ट नहीं करता। नहीं नहीं, हम पेस्ट, अच्छा आप पेस्ट नहीं करते हैं? ना। क्या बात है, और हम यहाँ दो दो टाइम पेस्ट करते हैं फिर भी दांत सड़ गए, क्यों? ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? हम पेस्ट नहीं करते, दांत साफ ही मत करना। ठीक है, वो आपके दांत अभी तक कितने अच्छे हैं, बिल्कुल चमकते हुए दांत। आपकी एज कितनी हो गई? 25 85 साल मतलब? बाप रे, बूबू 85 ईयर के हैं और बूबू के दांत अभी भी इतने अच्छे हैं ना, सुरक्षित। हमारे दांत तो है ही नहीं, लेकिन आपके दांतों का राज क्या है? लगता है ये राज नहीं, आपका कुछ और ही राज है। दांत बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो देखो ये बुढ़ापे में अभी भी ऑर्गेनिक जी जो भी होता है सब अपने हाथ से उगाया हुआ खाते थे ना, इसलिए तभी तो हमें अभी हमें ठंड लगने लग गई अभी ये 28 की एज में, और आप कहाँ 85 के फिर भी ठंडा नहीं लग रहा सच्ची में? उनको भी नहीं लगता उतना जाड़ा, आपको भी नहीं लगता है? मेरे ससुर जी कहते जितना तुमने पानी पिया उससे ज्यादा तो मैंने घी खाया है। तो अब आप बोलो कितना ना गांव में कितना घी खाया होगा लगाओ, अब इतना हमने पानी नहीं पिया है। वो बोला तो अभी आए हैं ये भैया यहाँ पे सूट बेचने के लिए,
तो हमने ले रखे हैं, मैंने, प्राची की मम्मी ने और मामी ने, हाँ हमने लिए हैं 4 सूट। हमको यही तो वाला पसंद आ रहा नहीं, 4 सूट हमने लिए हैं, तो अब सिला के देखते हैं कैसे होते हैं। ले तो लिए, तो अभी बज गए हैं रात के 8:30 और हमने खाना खा लिया है। और अब एक लड़की को इतना जाड़ा लग गया ना, आज जाड़ा क्यों लगा, तब से लगी है, कभी पैर धोए, हाथ धोने पे, कभी ब्रश करने पे, कब से बाथरूम में नाच रही है अंदर बाहर। हाँ, और अब उसको ठंडा, तो अब पैर इतने ठंडे हो रखे हैं, और अब कह रही अब दूध गर्म करके अब पैरों के अंदर डाल दिया से नीचे पैरों में गिलास, तो ठंड गया ही। तो अब मैं अनन्या को जरा बिस्तर उड़ाती हूँ, कम्बल उम्बल। तो अब आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।